नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। राजस्थान के सवाईमाधोपुर के मेगा हाईवे NH-12 पर आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हो रहा है। थाना प्रभारी रामपाल योगी ने बताया कि सवाईमाधोपुर से लालसोट की तरफ आ रही प्राइवेट बस ने सड़क किनारे चल रहे 45 वर्षीय रहमान पप्पू नाई निवासी भाड़ोती को टक्कर मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने बस को जब्त कर भाड़ोती पुलिस चौकी पर पहुंचाई। इस अवसर पर ग्रामीणों के साथ मलारना डूंगर प्रधान देवपाल मीणा उप प्रधान बाबूलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। भड़ौती उप स्वास्थ्य केंद्र पर मृतक का पोस्टमार्टम कर बॉडी को परिजनों के सुपुर्द किया गया। NH-12 पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे का होना, एक जानवरों का बीच रोड पर बैठे रहना और प्रशासन को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सवाईमाधोपुर जिला ब्यूरो महेश सोनी की रिपोर्ट। एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ? टोल से पहले हुआ है, उसने टक्कर मार दी। अब्दुल रहमान साहब कमरुद्दीन है, 45 साल उम्र है जी। देरी ना पहले मौत हो गई। अच्छा, ऑन स्पॉट मौत हो गई। कितनी सवारी थी इस पे, बाइक पे? नहीं, ये पैदल थे। पैदल थे? अच्छा, पैदल लगा। अच्छा अच्छा, बस कहाँ की थी? दोसा रोडवेज? लालसोट प्राइवेट। प्राइवेट तो जी। थैंक यू सर।